कोई भी दो पॉइंट है ना हमारे पास तो उससे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बट ये एक्जिम ये नहीं बताता कि सिर्फ दो पॉइंट होने चाहिए उसने ये बोला है कि एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है एक यहाँ पर पॉइंट है तो आप एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर सकते हो दूसरी लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हो एक पॉइंट यहाँ पर है तो तीसरी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो ठीक है तो इसने ये बोला कि दो एक पॉइंट बनाने के दो ला एक लाइन बनाने दो पॉइंट चाहिए तो पर एक प्लेन में इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं ठीक है थीके? तो ये है स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट हम लोग ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ये एक लाइन होगा ठीक है लाइन का मतलब ये होता है क्लियर ये एक एग्जीम है ये पोस्टलेट वन है अब इसी पोस्टिलेट को और थोड़ा मॉडिफाई करके मैथमेटिशियन ने एग्जीम के फॉर्म में दिया वो एग्जाम हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं एग्जीम फाइव पॉइंट वन उसी पोस्टिलेट का है देखना अब स्टेटमेंट पढ़ना दोनों सेम लगेगा गिवन टू डिस्टिंगस पॉइंट देर इज अनिक लाइन पासिस थ्रू देम देखो उसने क्या बोला अगर आपके पास दो पॉइंट हो तो उससे यूनिक लाइन पास होगा मतलब इफ़ यू हैव टू पॉइंट सपोज दिस इज वन पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट ये दोनों से एक ही लाइन पास होता है वो यूनिक होगा लाइन वहाँ तो उस पॉस्टर में क्या बोला अस्ट्रेट लाइन कैन बी पास बट उसने यूनिक की बात नहीं की थी ठीक है तो ये दोनों में डिफ्रेंस हैं ये याद रखना आप लोग अब इससे हम लोग क्या ये स्टेटमेंट ये एजीएम से क्या कंक्लूड कर सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट इफ़ वी हैव टू पॉइंट देन ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू इट ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अगर एक पॉइंट है तो कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते देखो अगर मैं बात करूँ ये पॉइंट पी दिख रहा है आपको ये पॉइंट पी से कितनी लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच टोटल नाइन लाइन ड्रॉ है ठीक है नाइन पॉइंट पी से ऐसे सिमिलरली पॉइंट क्यू से भी नाइन लाइन पास हो रही है बट पॉइंट और P और Q से पास होना वाली कितनी लाइन सिर्फ एक लाइन है ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंग पॉइंट ठीक है अगर दो पॉइंट हो तो इससे सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है अगर एक पॉइंट हो तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है इतना याद रखना ठीक है लिख दूँ यहाँ पे मैं वन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होगी इनफाइनाइट और टू पॉइंट होगा तो वन लाइन ओनली मन नहीं याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर ट्रू फॉल्स बहुत आते हैं ठीक है क्योंकि अब आगे देखते हैं देखो अब पॉस्टुलर टू पॉस्टुलर टू क्या कहता है अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन डेफिनेटली मतलब हम लोग कोई भी लाइन होती है ना उसको इन in, उसको इनडेफिनेटली इंक्रीज कर सकते बोथ साइड में जैसे कि ये पॉइंट है ये लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे सपोज ये दो पॉइंट है इससे मैंने एक ऐसा लाइन खींचा ठीक है ये लाइन है तो ये लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूँ इधर भी इधर भी ठीक है तो लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड बट जो लाइन सेगमेंट होता है ना हम्म लाइन सेगमेंट यू कैन नॉट इनक्रीज अगर ये मैंने लाइन सेगमेंट बनाया तो वो आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो ठीक है वो आपको कांस्टेंट ही रहता है जितना उसका वैल्यू उतना ही रहता है अगर जो रे होगा तो रे जिस साइड एरो है ना उसी साइड इंक्रीज कर सकते दोनों साइड इंक्रीज नहीं कर सकते ये डिफरेंस मैंने पहले क्लास में बताया था तो ये याद रखना लाइन सेगमेंट रे और लाइन के बीच में पोस्टुलेट टू क्लियर ना मूविंग फॉरवर्ड पोस्टुलेट थ्री क्या है पोस्टुलेट थ्री अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस मतलब आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए एक रेडियस चाहिए एक सेंटर चाहिए ठीक है अगर मेरे पास देखो अगर ये मेरे पास सेंटर है और मैंने दो सेंटीमीटर रेडियस लिया है तो मेरा रेडियस कुछ ऐसा होगा तो मैं कैसा सर्कल बना लूंगा ठीक है ये सर्कल हो गया आपका तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यू नीड जस्ट टू थिंग और रेडियस एंड अ सेंटर ये पोस्टलेट थ्री बता रहा है क्लियर एग्जाम्पल मैंने दिए है ठीक है पोस्टलेट फोर क्या है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर मतलब जितने भी राइट एंगल होते हैं राइट एंगल का मतलब क्या नाइन्टी डिग्री ऑल द राइट एंगल आर इक्वल टू वन अंदर देखो अगर एग्जाम्पल देखोगे तो ये एक राइट right right एंगल right है ये टेबल का यह राइट एंगल है ये राइट right एंगल right है तो जितने भी राइट right एंगल होते सारे क्या होते हैं इक्वल क्योंकि उनकी वैल्यू क्या होती है नाइंटी डिग्री ठीक है राइट right एंगल की वैल्यू कितनी थी नाइन्टी डिग्री ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अंदर दिस इज योर पॉजिट नंबर फोर नाउ मूविंग फॉरवर्ड पोस्टलेट फाइव ये थोड़ा स्टेटमेंट इसका लार्ज है तो हम लोग देखेंगे इसका स्टेटमेंट बड़ा है तो इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स अ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल देखो पहले मैं इतना सब एक्सप्लेन करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं देखो क्या बोला है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन मेक्स अ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइटिंग मतलब पहले तो हमें दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रहे हैं। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन ऐसी एक लाइन है दूसरी लाइन ये है ठीक है अब उसके ऊपर एक तीसरा लाइन फॉल कर रहा है एक मिनट कुछ हम लोग ऐसा कर हाँ देखो ये फिगर आपको दिख रहा है ये लाएं एक स्ट्रेट लाइन ए बी है दूसरा लाइन दिस इज ए बी इज वन स्ट्रेट लाइन एंड सी डी इज अनदर स्ट्रेट लाइन एंड ई एफ इज वन स्ट्रेट लाइन डेट इज फॉलिंग ऑन द ए बी एन सी डी यही बोला था ना उस स्टेटमेंट में देखो इस्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल अब मुझे बताओ टू राइट एंगल का मतलब क्या होता है वन राइट एंगल में तो नाइन्टी डिग्री तो टू राइट एंगल में तो वन एट्टी डिग्री तो इसका मतलब ये होता है अगर दो स्ट्रेट लाइन हो उसके ऊपर हम लोग तीसरा स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहे हैं जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर ये तीसरा लाइन आएगा और ये एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं इज दिस टू एंगल आर इंटीरियर एंगल ये भी इंटीरियर है ये भी इंटीरियर ये भी इंटीरियर है ठीक है अगर दो इंटीरियर एंगल का सम यहाँ पे कौन सा एंगल है ए ई एफ सी एफ ई ये दो एंगल का सम अगर 180 से कम 180 एट्टी कहाँ आया पोस्टुलेट में तो 180 नहीं लिखा था पर पोस्टुलेट में क्या लिखा था टू राइट एंगल तो एक राइट एंगल का मतलब होता है नाइन्टी डिग्री तो टू राइट एंगल मतलब वन एट्टी डिग्री अगर वन से कम आया तो दिस टू लाइन विल मीट इन दिस डायरेक्शन अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे देखो अगर ए बी को ऐसा एक्सटेंड कर दिया आगे और सी डी को ऐसे आगे एक्सटेंड किया है तो दोनों कहीं जाके मीट करेंगे ये इन्होंने बोला है ये स्टेटमेंट में ठीक है देखो then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle का कौन से side में meet करेंगे जहाँ पे दोनों का sum 180 से कम हो two right angle मतलब 180 clear ये side में ना देखो in this side एंगल इज़ लेस देन वन एटी ये दोनों का सम वन एटी से कम है तो ये साइड मीट करेंगे बट ये साइड ये लोग मीट नहीं करेंगे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ देखो ये साइड वन एट्टी से कम है बट ये साइड है ना वन एट्टी से ज़्यादा एंगल है इधर हम लोग एक्सटर्नर कर यहाँ पर कभी मीट कर नहीं हो करने वाला है देख सकते हो आप ठीक है यू कैन सी यहाँ पर वो लोग डाइवर्ज हो रहे हैं ये साइड क्या हो रहा है डाइवर्ज रहे, और ये साइड क्या हो रहा है कन्वर्ज हो रहे हैं ठीक है सपोज दोनों का एंगल वन एट्टी हो गया तो सपोज इन 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 केस ये दोनों एंगल जैसे ये मैंने बनाया ये स्ट्रेट लाइन है ठीक है अगर ये दोनों का एंगल वन एट्टी हो गया तो क्या होगा देन व्हाट हैपन ठीक है ये दोनों नाइन्टी 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 भी होना जरूरी नहीं है देखो अगर सपोज इज वन स्ट्रेट लाइन दिस इज अनदर स्ट्रेट लाइन अगर ऐसा कुछ है ठीक है ये आपका मान लो वन और ये सिक्सटी तो दोनों का वन ट्वेंटी प्लस सिक्सटी का सम कितना हो जाता है वन एट्टी अगर वन एट्टी होगा तो क्या करेंगे देन दो दे विल नॉट मीट ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं पैरल लाइन बोलते हैं ना जो कभी मीट नहीं करते है. तो ठीक है पैरल लाइन कब होगी जब दोनों के सम इंटीरियर एंगल का सम कितना हो वन एट्टी ये याद रखना अब तो इसमें नहीं दिया है पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट यू शुड नो ठीक है मीट कब करेंगे जब एंगल वन एट्टी से लेस हो और ठीक है अगर अगर वन एट्टी से ग्रेटर है तो डाइवर्ज करेंगे अगर वन एट्टी हो तो पैरल रहेंगे मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा उनका डिस्टेंस ठीक है नाव देखो अब हमने एक्जम्स कर लिया पोस्टुलेट कर लिया अब थ्योरम्स तो एग्जियम और पोस्टुलेट क्या था विच आर स्टेटमेंट विच आर यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट जो एग्जियोम और पोस्टुलेट ये थी जो हम लोग दूसरे स्टेटमेंट में प्रूव करने में यूज़ करते थे वो क्या होता है थियरम्स थियरम्स आर स्टेटमेंट विच नीड टू बी प्रूफ हम लोग एग्जियोम को बिना प्रूफ के एक्सेप्ट कर लेते हैं पर थियरम को प्रूफ करना जरूरी है इट इज कंपलसरी टू प्रूव थियरम और थियरम को प्रूफ करने के लिए टू प्रूव थियरम वी टेक द हेल्प ऑफ एग्जियोम्स एंड पॉस्टूलेट या इस थियरम तो देखते थियरम क्या होता है तो थियरम का डेफिनेशन देख लेते हैं थेरम्स आर द स्टेटमेंट बिच प्रूफ यूजिंग डेफिनेशन एग्जियम्स प्रीवियसली प्रूफ स्टेटमेंट एंड डिडक्टिव रीजनिंग ठीक है तो ये है मतलब हम लोग उसको प्रूफ करना पड़ता है थेरम को एग्जियम को बिना प्रूफ करे चलता है लेकिन थियरम को प्रूफ करना कंपलसरी है और उसका डेफिनेशन से कर सकते हैं एग्जियम की मदद से कर सकते हैं पॉस्टूल की मदद से कर सकते हैं प्रीवियसली प्रूफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं और यह लॉजिक है रीजनिंग का यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो देखो पर आपके ये चैप्टर में एक ही प्रूथ ही है मैं फाइव पॉइंट वन उसको देख लेते हैं उसका प्रूफ भी मैं कराऊंगा पर नॉट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ पर आपको पता होना चाहिए आइडिया अगर कभी एग्जाम में आ गया तो आप लिख सकते हो तो टू डिस्टेंस लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन ठीक है मतलब क्या है दो डिस्टेंस लाइन दो अलग लाइन हो तो उसमें एक से ज़्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता अब देखो मतलब डिस्टेंस लाइन है तो एक ऐसी लाइन होगी और एक कोई ऐसी लाइन होगी मतलब वो कहना क्या चाह रहा है स्टेटमेंट कि दो जो लाइनें है ना वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती मतलब एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता ये दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट क्या है मान लो ये पॉइंट एम यहाँ इन दोनों बीच में कॉमन पॉइंट है ठीक है तो एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता कभी होगा अब बताओ कोई भी लाइन कैसा भी ड्रॉ कर लो कैसा भी ड्रॉ करोगे लाइन तो दो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी कभी नहीं करेगी हाँ अगर तीन लाइन हो तो हो सकता है भले दो पॉइंट पर करें बट दो लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही होगा ठीक है ये आप ये थियरम है तो इसको देखो प्रूफ करना थोड़ा थियरटिकल है और थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा थियरम के जो भी प्रूफ होते हैं यू हैव टू रिमेंबर इट ठीक है तो उसको समझेंगे पहले फिर आपको याद रखना देखो क्या है प्रूफ हियर वी आर गिवन टू लाइन दो लाइन आप ले लेते हैं एल और एम ठीक है वी नीड टू प्रूव डैट दे हैव ओनली वन पॉइंट कॉमन हमें क्या प्रूफ करना है दो लाइन है जैसे कि एक एल और एम इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन ऐसा प्रूफ करना है हमें फॉर टाइमिंग लेट सपोज द टू लाइन इंटरसेक्ट इन टू डिस्टेंस पॉइंट से पॉइंट अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये दो लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए द पॉइंट पी एन क्यू हमने क्या माना क्या सपोज किया कि दिस टू तो लाइन इंटरसेक्ट इन टू पॉइंट बट ऐसा कभी पॉसिबल होगा दो लाइन दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करिए अब पेज में ड्रॉ करेगी वी है आपके पास P Q, और इससे कितनी हो हो रही है? दो line pass हो रही है? है। दो ठीक है देखो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो दो लाइन पास हो रही है ना क्योंकि हमने दो लाइन को लिया है तो इससे मतलब क्या आ रहा है कि टू लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टेंस पॉइंट बट दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्रिक्ट एग्जॉम फाइव पॉइंट वन जो हमने एग्जाम पढ़ा ना ये सी लेक्चर में वो एग्जाम क्या बोलता है गिवन टू डिटेंस पॉइंट देर इज ओनली यूनिक लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट मतलब दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है बट यहाँ तो दो पॉइंट से दो लाइन पास हो रही है तो ये क्या कर रहा है एग्जॉम को क्लैश कर रहा है देखो दिस क्लैश विद द एग्जॉम डैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू डिस्टेंस पॉइंट टू डिस्टेंस पॉइंट सो एजम्पन डैट वी स्टार्टेड विद टू लाइन कैन बी पास थ्रू टू डिस्टिंग जो हमने पहले एजम्पन लिया था वो तो रंग हो गया क्योंकि वो अपने एग्जाम्स को कॉन्ट्रिक्ट कर रहा है और एग्जियम का भी गलत नहीं है एग्जाम तो यूनिवर्सल थ्रू होते हैं ना तो एग्जियम गलत नहीं हो सकता तो मतलब आपने जो सपोज किया था वो गलत होगा उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब ये आता है फ्रॉम दिस वट वी कैन कंक्लूड वी आर फोर्स टू कंक्लूड दैट टू डिस्टिंगस लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन मतलब हम लोग फोर्थ से ये कंक्लूड करने पर कि दो पॉइंट कभी एक पॉइंट से ज़्यादा कंक्लूड नहीं कर सकते इंटरसेक्ट नहीं कर सकते ठीक है अगर बाई चांस आपका ये थियर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे प्रूफ लिखना है ठीक है नॉर्मली नहीं पूछते पर कोई स्कूल में पूछ दिया तो आपको ये लिखना पड़ेगा ठीक है क्लियर पहले हम लोग क्या कहे कि दो लाइन सपोज कर लिया फिर लिख दिया कि ये दो लाइन दो पॉइंट से दो, दो लाइन पास करिए ये तो एग्जाम को कं कंट्राडिक्ट कर रहा है तो हमारा स्टेटमेंट गलत होगा तो दो लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी ठीक है यहाँ पर थे हो गया नाउ मूविंग फॉरवर्ड देखो अभी हमने इक्विलिट का फिफ्थ पोस्ट स्ट्रेट पढ़ा था क्या था इट इज अबाउट द पैरल लाइन उसमें क्या था अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन मेक्स टू इंटीरियर एंगल लेस देन वन एट्टी वाला कॉन्सेप्ट था ना ठीक है वो वाला तो उसका दूसरा वर्जन मतलब उसका इक्वलेंट वर्जन जो वो तो यूक्लिड ने दिया था अभी अलग अलग मैथमेटिशियन ने इसका इक्विलेंट वर्जन दिया मतलब बोलते हैं ना जैसे कि डुप्लीकेट कॉपी या उस टाइप का डुप्लीकेट तो नहीं मतलब इस टाइप का उसका इक्विलेंट है मतलब वो भी यही स्टेटमेंट बता रहा है देखो क्या है वन फॉर एवरी लाइन एल फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन द एल देर एग्जिस्ट यूनिक लाइन एम पासिंग टू पी एंड l देखो इसको बोला जाता है ये स्टेटमेंट को फेयर प्ले दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द मैथमेटिशियन फेयर प्ले इसको किसने दिया था फेयर प्ले ने दिया था इसलिए इसको फेयर प्ले एक्सियोम बोलते हैं देखो ये क्या है आपका फॉर एवरी लाइन एल फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन द एल मतलब देखो ये फिगर में देखोगे आप तो आपको एक ही लाइन एल दिख रहा है दिस इज लाइन एल एल एंड देर इज अ पॉइंट पी नॉट लाइनिंग ऑन एल एक पॉइंट पी है जो एल के ऊपर नहीं लाई करता है देयर एग्जिट्स अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी पी से एक ऐसा लाइन पास होगा एक ही लाइन होगा जो एल के पैरल हो देखो पी से तो ऐसे बहुत सारी लाइन पास हो सकती है ये हो गया दिस ऑल दिस पासिंग थ्रू पी बट सिर्फ एक लाइन होगा जो एल के पैरल होगा वो कौन सा है ये एम ये दोनों ये पैरल नहीं है ना ये तो इंटरसेप्ट कर जाएगी यहाँ पर ये भी पैरल यहाँ पर इंटरसेप्ट कर जाएगी तो ठीक है तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही एक लाइन से सिर्फ अगर पॉइंट पी है तो उससे एक लाइन पैरल होगी ठीक है पॉइंट पी से बहुत सारी लाइन पास होगी ओबियसली बट जो एल के पैरल हो गए उससे सिर्फ एक लाइन होगी क्लियर आप इसको अलग तरीके से भी ड्रॉ करके कर देख सकते हो एक ही जगह जैसे सपोज यहाँ पर मैंने एक एल लाइन ड्रॉ कर दी एक ये पॉइंट पी है यहाँ से एक लाइन ड्रॉ गई एक यहाँ से ड्रॉ हो रही है एक ऐसे ड्रॉ हो रही है तो सिर्फ एक लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी और ये लाइन है ठीक है अब ये हो गया एक इक्विवेलेंट वर्जन अब दूसरा इक्विवेलेंट वर्जन क्या है टू डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन मतलब क्या देखो मीनिंग उसका ये है कि क्या बोला था टू डिस्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरल टू सेम लाइन मतलब देखो अगली एक लाइन है ठीक है, है. है. है ये लाइन एल है सब सपोज और दो इंटरसेक्टिंग लाइन है मान लो कुछ ऐसी ऐसा दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ये एम है और ये लाइन एल है तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना तो दोनों सेम लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते ये एल एम किसके पैरेलल एल के और ये एक और मान लो लाइन ये लाइन क्या है आपका पी और एन किसके पैरेलल है पी के तो टू डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन ठीक है दो लाइन एक ही लाइन के पैरेलल नहीं हो सकते हाँ ये हो सकता है कि देखो ये लाइन पी है ये पी और एम ये दोनों एल के पैरल है क्यों है क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं ना अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों साथ में पैरल नहीं हो सकते ठीक है एम और एल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए ये दोनों इसके पैरल नहीं हो सकते क्लियर अब देखो नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री अभी जो भी हम लोग पढ़ा ना वो उसको दे ऑल आर कंसिडर इन टू दिन यूक्लिडियन इन ज्योमेट्री क्योंकि उसको यूक्लिड ने सब बताया था उसके बारे में अभी या आगे भी जो पढ़ोगे लाइन्स एन एंगल ट्राइंगल ऑल आर कंसिडर इन टू इक्विलिट इन ज्योमेट्री मतलब इक्विडनेस को दिया है नॉन इक्विट इन ज्योमेट्री क्या होता है उसके बारे में देखते हैं देखो इक्वलीड इज नॉट रिक्वायर्ड इज फिफ्थ पॉस्टुलेट टू प्रूफ हिज फर्स्ट ट्वेंटी एट स्टेटमेंट मतलब इक्विड ने बहुत सारे थियरम दिए ठीक है ट्वेंटी एट थियरम और उसको प्रूफ करने के लिए उसने सारे एग्जियम का यूज़ किया फोर पॉस्टुलेट का यूज़ किया लेकिन फिफ्थ पॉस्टुलेट का यूज नहीं किया ठीक है तो मैनी जो बहुत सारे मैथेमेटिशियन उन्हें बोला कि जो आपका फिफ्ट पॉस्टुलेट है ना पॉस्टुलेट नहीं है थियरम है क्या है थियरम क्यों क्योंकि डेट कैन बी प्रूफ उनको लगा कि उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था एक्जियोम्स एंड द पॉस्टुलेट आर नॉट नीड टू बी प्रूफ उसकी प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना प्रूफ कर पाते हैं ठीक है बट मैथेमेटिशियन को लगा कि जो यूक्ट का फिफ पॉस्टुलेट है ना उसको हम लोग प्रूफ कर सकते यूजिंग द एग्जियोम एंड द फोर पोस्टुलेट हाउ एवर लेकिन किसी ने इसको प्रूफ नहीं कर पाया फिर पोस्टुलेट एज अ थियरम बट दिस एफर्ट लीड टू ग्रेट अचीवमेंट क्रिएशन ऑफ सवर अदर ज्योमेट्री बट प्रूफ करने में तो फेल हो गए लेकिन उसमें उन लोगों को दूसरा सक्सेस मिल गया और वो ज्योमेट्री का एक अलग ब्रांच डेवलप हुआ और उसको हम लोग बोलते हैं डैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द इक्डियन जोमेट्री दैट इज कॉल नॉन इक्विडियन ज्योमेट्री वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है आप वो हाई स्टैंडर्ड में पढ़ोगे जब आप इलेवंथ ट्वेल्थ में जाओगे तो वहाँ पर आपको स्टडी करना है अभी टेंथ तक आप इक्वेडियन ज्योमेट्री पढ़ोगे जिसमें लाइन्स के बारे में एंगल्स के बारे में स्टडी किया जाता है और इक्विडियन नॉन इक्विडियन ज्योमेट्री में आपका स्पेरिकल ज्योमेट्री जाता है मतलब अभी आप नॉर्मली स्टडी किसके ऊपर करते, 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 करते हो लाइन्स के ऊपर करते हो रेक्टेंगल के ऊपर करते हो फ्लैट सर्फेस के ऊपर करते हो सर्कल के ऊपर करते हो जब नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री आप स्पेरिकल में होगा ठीक है तो दैट यू डोंट नीड टू वरी आपका अभी यूक्लिडियन ज्योमेट्री है ठीक है बट आपको पता होना चाहिए नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होता है उन लोग मैथेमेटिशियन फिफ्थ पोस्टुलेट को थियरम प्रूव करना चाहते थे बट दे हैव फेल्ड एंड इन दिस एफर्ट दे हैव क्रिएटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री और न्यू पार्ट ऑफ ज्योमेट्री दैट इज कॉल्ड नॉन इक्विटियन ज्योमेट्री दैट इज क्वाल डिफरेंट फ्राम द इक्विटियन ज्योमेट्री एंड दिस नॉन इक्वियन ज्योमेट्री इज ऑल्सो नॉन एज स्पेरिकल ज्योमेट्री ठीक है ये एम सी क्यू में आ सकता है तो मैंने लिखा है आपको तो हमने थियोरिटिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे ठीक है तो इंट्रोडक्शन टू इक्विलिट ज्योमेट्री एक्सरसाइज क्वेश्चन तो पहला एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड वीच आर फॉल्स गिव रीजन फॉर योर आंसर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है ये लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन नंबर वन करा देते हैं बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है और आपने जितने भी देखें मैंने थियोटिकल पार्ट करा सबको अपने नोट्स में लिखो क्योंकि ये चैप्टर में आपका नोट्स होना जरूरी है तो पहला ओनली वन लाइन कैन बी पासेज थ्रू सिंगल पॉइंट बताओ ये रॉन्ग है कि राइट है इट इज फॉल्स बिकॉज एक पॉइंट से तो लोग इनफाइनइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जैसे यहाँ पे देखो ये पॉइंट ए है ना उससे आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो इनफाइनइट नंबर ऑफ लाइन ठीक है तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज सिंस देर कैन बी इन्फाइनइट लाइन कैन भी ड्रॉन पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट एज इन द डायग्राम फ्रॉम पॉइंट ए इनफाइनइट लाइन कैन बी ड्रॉन ठीक है ये डायग्राम बना देना है और ये स्टेटमेंट लिख देना है क्लियर यी क्वेश्चन है आपका ये सब क्वेश्चन नंबर टू देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासेज थ्रू टू डिस्टिंगस पॉइंट मतलब बताओ आपने एक्सिमम फाइव पॉइंट वन पढ़ा था उसमें क्या था फ्रॉम टू डिस्टिंगस पॉइंट देर इज ऑनली वन लाइन कैन बी पास बट यहाँ पे तो बोल रहे हैं इनफाइनाइट नंबर पास होता है तो स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा फॉल्स ओनली वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन विच पासेज थ्रू टू डिस्टिंगस पॉइंट ठीक है एग्जियम लिख सकते हो एग्जियम फाइव पॉइंट वन थर्ड स्टेटमेंट अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इन इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स फॉल्स नहीं ट्रू है क्योंकि आपका तो टर्मिनेट लाइन दोनों साइड इंफाइनेटली इंक्रीज कर सकते हो ना आपका अगर लाइन है तो यू कैन इंक्रीज इट ऑन बोथ साइड यहाँ पर भी यहाँ पर भी ठीक है ट्रू टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड और लाइन कैन बी एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन और लाइन रिफर टू इनफाइनइट लॉन्ग लेंथ ठीक है लाइन सेगमेंट अगर होता तो आप नहीं कर सकते तब आपको ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता अगर रे होता तो वन साइड एक्सटेंड कर सकते हो क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर इफ़ टू सर्कल आर इक्वल देन रेडियर रेडियस आर इक्वल रेडिया आर इक्वल रेडिया या रेडियस सेम थिंग है तो देखो अगर दो सर्कल है आपके पास अगर दोनों इक्वल है मतलब दोनों इक्वल का मतलब क्या दोनों कॉन्साइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर हम लोग रख सकते हैं जैसे कि वन रुपी के कॉइन है सेम साइज़ के कॉइन है तो दोनों का रेडियस क्या होगा इक्वल ही होगा ना इसका रेडियस टू है इसका रेडियस भी क्या होगा टू सेंटीमीटर ठीक है ट्रू क्यों स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल बाय सुपर पोजिशन वी विल फाइंड एट द सेंटर एंड सर्कम फेर टू सर्कल कॉन साइड एंड देयर रेडियस ऑट टू बी इक्वल ऑट का मतलब शुड बी इक्वल ऑट का मतलब होता है शुड ठीक है क्लियर अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर आते हैं देखो इन फिगर फाइव पॉइंट नाइन इफ ए बी एंड पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई ए बी इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू किसके इक्वल एक्स वाई के देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई अब इससे आपको याद रखो कौन सा एग्जियम आ रहा है दिमाग में एग्जियम फाइव पॉइंट एग्जियम वन यूक्ट का एग्जियम वन क्या था इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग दे आर इक्वल टू वन अनदर ठीक है तो इसमें वही है ना देखो यहाँ पर आपका ए बी है ना वो किसके इक्वल है पी क्यू के इक्वल है मतलब दिस टू आर इक्वल और पी क्यू इक्वल एक्स वाई के इक्वल है तो ऑबियसली ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा ना बाजियोम वन ठीक है बाई किट फर्स्ट एक्जियोम थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर जो मैंने बताया ठीक है यहाँ तो करते क्वेश्चन नंबर टू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है यह प्रैक्टिस कर लेना घर पर क्वेश्चन नंबर टू से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थैंक यू